गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित पिपरी कला गांव में संचालित उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में वर्ष 2007 से उच्च विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय को इस वर्ष +2 विद्यालय का दर्जा मिल गया है। सरकार ने इस विद्यालय को +2 विद्यालय का दर्जा तो दे दिया, परंतु इस विद्यालय का हाल बदहाल है। मध्य विद्यालय में 651 बच्चे हैं, जबकि हाई स्कूल में 450 बच्चे हैं, परंतु शिक्षक के नाम पर मात्र एक शिक्षक है, यानी विद्यालय राम भरोसे चल रहा है। इस विद्यालय पर अगर नजर डाला जाए तो मात्र एक शिक्षक के भरोसे यह विद्यालय चल रहा है। न तो एक भी लिपिक और ना ही एक भी अनुसेवक है। एक शिक्षक व एक प्राचार्य बच्चों के पंजीयन से लेकर नामांकन तथा शिक्षण कार्य संभाले हुए हैं, यानी कुल मिलाकर घिसी पिटी व्यवस्था के बीच यह विद्यालय चल रहा है। ग्रामीणों की बात माने तो +2 विद्यालय का दर्जा मिलने से वे काफी खुश हैं, परंतु स्कूल की व्यवस्था से वे काफी नाराज दिखे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस विद्यालय में अविलंब शिक्षक सहित कर्मियों की बहाली की मांग की है। इस वर्ष से +2 का दर्जा मिल गया है, एडमिशन इस साल लेना है। कब से एडमिशन लेना है सर? अभी मैं अकेला हूँ, तो मतलब 9-10 तारीख के बाद मैं एडमिशन लेना चालू करूँगा। क्या 10+2 के लिए शिक्षक एक भी नहीं है? नहीं, यहाँ इस विद्यालय में सिर्फ मैं अकेला शिक्षक हूँ। मैं उच्च विद्यालय में हूँ और +2 में कोई भी शिक्षक यहाँ नहीं है। उस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं सर? उच्च विद्यालय में सिर्फ मैं अकेला शिक्षक हूँ, संस्कृत का हूँ। प्रभारी प्रधानाध्यापक का कार्य जो है मैं कर रहा हूँ। आप प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों का कार्य करते हैं? दोनों कार्य मैं अकेला करता हूँ और इतने बच्चों को मैं। छात्र संख्या कितना है सर? छात्र संख्या इस वर्ष 400 से ऊपर उच्च विद्यालय का जा रहा है। और क्या अपना भवन है उच्च विद्यालय का? नहीं, यह अपना विद्यालय भवन नहीं है। इसमें जो है विगत 7-8 साल से यह मिडिल स्कूल के भवन में संचालित है।